हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार क्वेश्चन जो है इस वाले वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आगे के और वीडियोज जो बनाऊंगा, आगे के और पार्ट्स जो मैं बनाऊंगा उसमें भी कवर कर दूंगा। तो यार, इस वीडियो में बस चार ही क्वेश्चन करवाऊंगा, फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार, फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले तो यार आप लोग को एरिया मतलब मैं बता देता हूँ। तो यार, आपने बहुत पहले एक्सरसाइज में समझा कि पेरीमीटर क्या होता है, तो यार एरिया भी क्या होता है। तो यार शायद से यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर, सॉरी, रेक्टेंगल बना दिया। तो यार, ये रेक्टेंगल में पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ये होता है, ये बाउंड्रीज, इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो अभी एरिया क्या होता है? तो वही सेम मैं रेक्टेंगल इधर बना देता हूँ। तो यार, अभी इसमें एरिया क्या होता है? तो यार, एरिया जो होता है वो होता है अंदर का जो इतना बचा है ना, ये जो भी मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया होता है। सर्कल का एरिया ये होता है, स्क्वायर का एरिया ये होता है। तो मतलब एरिया मतलब अंदर का जो भी उसकी चीज़ है वो उसका एरिया होता है। तो यार, एरिया मतलब आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये सब मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग एरिया के कुछ कुछ फॉर्मूला है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यार, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो यार, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला छोटा सा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे मैं जैसे एक रेक्टेंगल बना दूँ, इसका डायमेंशन मैं दे देता हूँ, लेंथ 3 दे देता हूँ और जो ब्रेथ है वो 2 दे देता हूँ। तो यहाँ पे एरिया अगर मेरे को इसका पूरा ये अंदर का निकालना है, तो यहाँ पे मेरे को लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। लेंथ है 3, ब्रेथ है 2, तो यहाँ पे इसका एरिया निकल के आ जाएगा 6। 3 × 2 होता है 6। तो ऐसे ही हम लोग को निकालना है। तो अभी यार, एरिया ऑफ स्क्वायर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस बार मिटा देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी ये स्क्वायर है उसमें ये जो सारे जो जगह है वो सारे, सॉरी, मतलब जो साइड्स है वो इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग साइड को 2 बार इंटू कर लेते हो, मतलब जैसे इसका स्क्वायर का साइड है 4, तो यहाँ पर आप लोग को 4 × 4 करना है, यानी हो जाएगा 16। तो ऐसे ही इसके दो फॉर्मूला जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो यार, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यार, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कुछ कुछ डायमेंशन। तो यार, हम लोग को अभी वही फॉर्मूला में डाल के इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ए कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप लोग चाहे तो ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोग को जो यूनिट्स है वो सेम देता है। आप में यहाँ पे यूनिट्स को कुछ चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो यार, डायरेक्ट फार्मूला पे हम लोग को जो डायमेंशन दिए वो डालना है, 3 × 4, 3 × 4 होता है तो 12 सेंटीमीटर जो है वो आंसर है। अब बी करते हैं, बी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे 12 मीटर है और 21 मीटर। तो यार, हम लोग 21 × 12 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, और मैं पहले बता दूं कि जो सबसे पहले लिखा रहता है वो लेंथ होता है, उसके बाद लिखा रहता है ब्रेथ रहता है। तो यहाँ पे मैं 12 × 21 कर देता हूँ। तो यहाँ पे और 21 × 12 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे क्रॉस, 21, 252। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है 252 मीटर। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। और मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गया कि अरे, जो एरिया ऑफ एरिया का जो यूनिट रहता है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। यहाँ पे हम लोग उसे स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर ऐसे लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। आप स्क्वायर को SQ भी लिख सकते हो और सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको हम लोग SQ, और यहाँ पे जो भी यूनिट है हम लोग को वो डाल देना है। यहाँ पे मीटर होता है, यहाँ पे मैं मीटर डाल दूंगा। स्क्वायर में होना चाहिए जो भी हम लोग का यूनिट होता है एरिया में, पेरीमीटर में ऐसे नहीं, हम लोग सादे से लिख सकते हैं। यहाँ पे सी में है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर यहाँ पे हो गया 2 × 3, फिर हो जाएगा ये 6 स्क्वायर
किलोमीटर। यहाँ पे मैं ये सब मिटा देता हूँ, फिर हम लोग डी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने डी पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो यार सॉल्व करने से पहले हम लोग को यूनिट्स तो देखना चाहिए। तो यार यहाँ पे यूनिट जो था वो चेंज था, यहाँ पे मीटर दिया था, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मीटर को सेंटीमीटर में ले लिया। तो यार मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग को 100 से इंटू करना पड़ता है। अगर आप लोग को डिवाइड करना है 100 से तो वो सेंटीमीटर में चले जाएगा, वो भी सही है। आप लोग चाहे तो इसको मीटर में भी लेके जा सकते हो। आप लोगों का करना पड़ेगा जो 70 है उसको आप लोग को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हम लोग का जो चेंज कर देंगे हम लोग वो डेसिमल्स में आ जाएगा। तो यार मेरे को डेसिमल्स पसंद नहीं है इंटू करना, तो यार थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है, गलतियाँ बहुत होती है। आप लोग से भी होती रहेगी क्योंकि डेसिमल्स को इंटू करना ईजी नहीं होता, उसमें गलतियाँ बहुत होती है। आता तो सबको इंटू करना पर गलतियाँ उसमें बहुत होती है। तो यार मैंने क्या किया कि यहाँ पे बड़ा नंबर बनाने के चक्कर में मैंने क्या किया कि 2 को मीटर को मैंने सेंटीमीटर में ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो 70 है ऑलरेडी सेंटीमीटर में। आप लोग चाहे तो 70 सेंटीमीटर को मीटर में भी लेके जा सकते हो। आप लोग करना पड़ेगा 70 को, सॉरी 70 को आप लोग को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आ जाएगा ये एक एक जीरो कट जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.7। फिर आप लोगों का करना पड़ेगा कि 2 × 0.7 करना पड़ेगा, जो हम लोग का आंसर है वो आ जाएगा। और ये जो हम लोग का आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। आप लोग मत समझना कि यार आंसर चेंज है, पर यहाँ पे हम लोग का जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लोग ने यूनिट तो चेंज कर दिया। यहाँ पे अभी हम लोग को एरिया भी तो निकालना है यार। यूनिट यहाँ पे मैंने 200 सेंटीमीटर में लेके आ गया, ये मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यार यहाँ पे हम लोग ने जो यूनिट है वो सेम कर दिया है। यहाँ पे ये 200 मीटर हो गया, सॉरी सेंटीमीटर हो गया एंड 70 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे मैंने इसको जो है चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लेंथ इन टू ब्रेथ कर दिया। फिर यहाँ पे लेंथ है हम लोग का 200 और ब्रेथ है हम लोग का 70। 2 7 होता है 14, 1 2 3, 3 0 इधर लगा दिया, हम लोग का आ गया 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिख चुका है। तो यार यहाँ पे मैंने लिखने के साथ साथ यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया, क्योंकि ये बहुत इजी, आप लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को अभी समझाऊंगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेते हैं। तो फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हूज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर का जो है वो एरिया निकालना है, जिसके जो यहाँ पे हम लोग को साइड्स दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 5 मीटर। तो यहाँ पे आप लोग को याद देख के याद रखना कि यहाँ पे 2 जो यूनिट है सेंटीमीटर दिया, तीसरा आप लोग इसको भी सेंटीमीटर ही ना लिख दो, ये जो है वो मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, जो है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इधर फर्स्ट वाला सॉल्व किया, इधर सेकेंड, इधर थर्ड। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे 10 × 10 कर दिया मैंने, 10 × 10 होता है 100, 10 × 10 100 होता है, सबको पता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर सेकेंड वाला एरिया ऑफ स्क्वायर लिखने के बाद साइड इंटू साइड इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का साइड है 14, यहाँ पे 14 × 14 इक्वल टू 196 होता है। आप लोग को पता है 14 × 14 से अगर आप लोग इंटू करेंगे तो वो होता है 196, 4 4 दा होता है 16, फिर 4 1 दा होता है 4, पर यहाँ पे 1 कह रहे तो प्लस करके 5। फिर यहाँ पे 14 का 14 इधर लिख देता हूँ 691। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हम लोग का आंसर है वो 196 और स्क्वायर और सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, हम लोग का साइड है 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 × 5 करेंगे इक्वल टू 25 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे आप लोग के सामने सारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है कि 3 रेक्टेंगल्स हैव द फॉलोइंग डायमेंशन। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग का और एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये क्वेश्चन है कि विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे 3 जो रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन दिया, मतलब जो साइड से थे उसका जो लेंथ है वो यहाँ पे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये पूछा कि ये जो हम लोग इसके बाद एरिया जो निकाल लेंगे उसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है और सबसे कम किसका है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये ए का सॉल्यूशन है, बी का सॉल्यूशन है और ये सी का सॉल्यूशन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे मैंने सबको, यहाँ पे सारे यूनिट जो है वो सेम है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो L × B, L × B, इसमें भी L × B लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 9 × 6 कर दिया, यहाँ पे 3 × 17 कर दिया, यहाँ पे 4 × 14 कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आया 54, 9 5 होता है 45, 9 6 होता है 54 स्क्वायर मीटर। सारे जो यूनिट है मीटर में तो सब में हम लोग स्क्वायर मीटर लगाएंगे। फिर यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ,
3 × 17 होता है 51, 17 3 होता है 51 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 4 × 14, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे 14 4 होता है 56 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे अभी सबसे कम जो है वो 51 है, यहाँ पे जो हम लोग के तीनों आंसर है वो 51 और 56। तो सबसे ज़्यादा है वो सी का है और सबसे कम बी का है। तो आप लोग देख सकते हो जो हम लोग का बी डायमेंशन था वो सबसे छोटा है और जो हम लोग का सी वाला डायमेंशन था वो सबसे बड़ा है, यानी 56 बड़ा है 51 छोटा है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पार्ट के। तो यहाँ पे हम लोग का जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया, तो पढ़ते हैं उसको। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग को जो एरिया ऑफ एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है वो यहाँ पे हम लोग को जो 50 मीटर लॉन्ग का है, यहाँ पे मैं एक गार्डन बना देता हूँ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो 50 मीटर लॉन्ग है, मतलब उसका जो लेंथ है वो है 50 मीटर। यहाँ पे आप लोग को बोला गया गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग बोला जाए तो लेंथ ही होता है, इज 300 स्क्वायर मीटर, यानी उसका जो एरिया है वो है 300 स्क्वायर मीटर। आप लोग को यूनिट से ही समझ में आ गया रहेगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया एक रेक्टेंगुलर गार्डन का 50 मीटर लॉन्ग जो है वो है 300 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम लोग को जो विड्थ होता है वो, मतलब ये वाली साइड विड्थ ये कितना है, तो यहाँ पे ये हम लोग को पिछला नॉलेज जो है थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सब मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का जो लेंथ है वो है 50 मीटर और यहाँ पे जो हम लोग का एरिया है वो है 300 स्क्वायर मीटर। तो अभी रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोग को जो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे वो हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। हम लोग को सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है जो है 300 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे मैं 300 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग को लेंथ दिया है 50, वो लिख देता हूँ। इंटू बी, बस ब्रेथ तो दिया नहीं है, ब्रेथ यानी विड्थ होता है, ब्रेथ मतलब विड्थ होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे जो 50 है मैं उसको इस तरफ भेज देता हूँ, जिससे क्या होगा जो हम लोग का ब्रेथ है वो इधर अकेला बच जाएगा और हम लोग का जो ब्रेथ है वो निकल के आ जाएगा। ये हम लोग ने ये वाला जो नॉलेज है पहले भी यूज़ किया। आप लोग चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख के इक्वल टू बी करके यहाँ पे जो लेंथ है उसको नीचे भेज सकते हो, जिससे हम लोग का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 300 ऊपर जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो लिख देते हैं, लेंथ जो है हम लोग का 50 यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू ब्रेथ 0 0 जो है ऊपर ऊपर कट जाएगा। आप लोग को यहाँ पे 5 जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 5 को हम लोग 30 से काटेंगे तो 5 × 5 होता है 5 6 होता है 30। यहाँ पे जो हम लोग का ब्रेथ निकल के आया है वो है 6 यूनिट जो लगेगा वो मीटर लगेगा, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर में आता है, मतलब यूनिट जो मीटर में होगा। तो हम लोग का जो ब्रेथ निकल के आया है वो है 6 मीटर। तो यहाँ पे इस पार्ट के जो सारे क्वेश्चंस है वो आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। 4 ही क्वेश्चन है, बच्चे कुछ जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट्स में जो है वो मैं करा लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दे, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।